स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज में। मैं आपके साथ मुस्कान। जेडीएस विधायक देवानंद चौहान ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आंतरिक आरक्षण के नाम पर राजनीति कर रही है। दरअसल विजयपुर शहर में आयोजित एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंतरिक आरक्षण के नाम पर सीएम बम्बई सरकार खिलवाड़ कर रही है और उन्होंने इसे निंदनीय बताते हुए फचकार लगाई। साथ ही चुनाव के दौरान सरकार आंतरिक आरक्षण के नाम पर लमानी भूवी और कोरवा समुदायों के साथ अन्याय कर रही है, यह भी कहा गया। सरकार के पास किसी भी समाज को उखाड़ने या जोड़ने की शक्ति नहीं है, जिसके लिए किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये कहते हुए नजर आए हैं जेडीएस के विधायक देवानंद चौहान। राज्यदा एलिए विषय न्याय सदाशिव आयोग जारी मुखातर इवत बीजेपी सरकार इवत समाज के दौड़ वो अन्याय बसवनाडी इवत बसव तत्वकू बहुत जन उन्नत मे ईन बदकू साधस्ता बंदर मध्य मध्य कंदक तोड़ी जु मुखातर बीजेपी सरकार इवत मुंतु ना समाज वत खंड आनंदर हतोत्पत्तर संसद कानून ಆತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಆನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ದುರುಚಿ ಇವತ್ತು ಇವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವರದಿಗಳನ್ನೇ ಇದೆ, ಇದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು। एसएस न्यूज से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए एसएस न्यूज।